कि हम लोग इतनी हकार नजर से देखते थे लोग, हाँ इतनी गिरी नजर से देखते थे कि अरे चुड़ियरवा, अरे मनियरवा, इस तरह के अल्फाज से करते थे और बहुत गाली भी देते थे। पानी पीने के लिए भी हम लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, वो कुएं पर नहीं चढ़ने देते थे। अच्छा, हम लोग बचपना में कुएं पर नहीं चढ़ने देते थे। अच्छा, अछूत मानते थे। अछूत मानते थे। आज भी वो मानसिकता गई नहीं है किसी बिरादरी के अंदर। हो अगर हमको मान लीजिए कोई बात हो तो हम जानते हैं कि आप धोबियत का करें, ये धोबिया। तो इस तरह के मानसिकता अभी है। पाकिस्तान बनाने वाले ने पाकिस्तान चले गए। हम हिंदुस्तानी मूल निवासी हैं, हमने उनका विरोध किया, हम लड़ाई लड़े, मरे देश की आज़ादी के लिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा रग रग एक एक कतरा जो हिंदुस्तान के धरती पे गिरा है और गिरेगा इंशाल्लाह, हम पाकिस्तानी नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं। सलाम, नमस्ते, आदाब। आजकल हम पसमादा समाज की पसमादा तरीन जातियों से मिलके उनकी समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पसमादा आंदोलन के अंदर उनकी स्थिति क्या है और उस आंदोलन के भविष्य के साथ वो अपना भविष्य कैसे देखते हैं। तो इसी सीरीज़ में हम आज अकबर अली साहब से मुखातिब है और उनसे जानेंगे कि उनकी जाति कौन सी है और उनकी जाति समस्या क्या है और कैसे उन्होंने सामाजिक भेदभाव का सामना किया। सर, सबसे पहले आप थोड़ा अपनी अपने बारे में बताएं कि आप किस जाति से हैं, कहां से आए हैं और मतलब मऊ के एतराफ़ के हैं कि मऊ के हैं और जाति पेशा क्या था। मैं मऊ का ही रहने हूँ, मेरे बाप दादा भी मऊ के हैं और मऊ औरंगाबाद मेन शहर बाजार के हूँ। मेरा नाम अकबर अली है, मैं चुड़ियार पेशे का से ताल्लुक़ रखता हूँ, मनिहार सिद्दीक। तो उसमें ये हुआ कि हमारा हम लोगों ने एक कमेटी हमारे पूर्वजों ने बनाई हनीफ हनीफ साहब मिलकर 78 में, वो उत्तर प्रदेश सिद्दीकी जमात। अच्छा, तो हमारे में 7-8 बिरादरियाँ, अन्नाफ हैं, जौहरी हैं, चुड़ियार हैं, मनिहार हैं, सिसगर हैं, इस तरह की 7-8 बिरादरियाँ हैं, वो सबको मिला कर सिद्दीकी जमात बनाई गई। अच्छा, और सिद्दीकी जमात उत्तर प्रदेश में चलती रही, कानपुर में इसका बिल्डिंग भी है और सब काम चलता है, उससे हम जुड़े रहे। और ये सामाजिक जो दशा हम लोगों की, ये देहातों में जब भी अगर मान लीजिए हम लोगों का पहला था सर पे औरतें दौरी लेके मोहल्ले मोहल्ले गांव को चूड़ी पहनाने जाती थी। अच्छा अच्छा, और श्रृंगार का सामान लेके जाती जो औरतों को दुल्हन बनाना है, श्रृंगार बनाना, ये हम लोगों का पेशा था। लेकिन हम लोग इतनी हकार नज़र से देखते थे लोग, हाँ इतनी गिरी नज़र से देखते थे कि अरे चुड़ियरवा, अरे मनियरवा, इस तरह के अल्फाज से करते थे और बहुत गाली भी देते थे। लेकिन मजबूरी था कि हमारी रोजी रोटी थी, इसलिए हम लोग सहन करते थे। यहाँ तक था कि पानी पीने के लिए भी हम लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन पानी के लिए क्यों दिक्कत होती? वो कुएं पर नहीं चढ़ने देते थे। अच्छा, हम लोग बचपना में कुएं पर नहीं चढ़ने देते थे। अच्छा, अछूत मानते थे। अछूत मानते थे, मुसलमान में हम लोग इतना गिरा नजर। तो ये जो आपके साथ अछूतपन वाला जो बात कर रहे थे, कौन का, हिंदू कर रहे थे, मुसलमान कर रहे थे? हिंदू और बड़ी कास्ट के लोग भी करते थे। अच्छा, मुसलमानों में भी? मुसलमानों में भी, मुसलमानों में भी। तो इस तरह का होता था कि जो देते थे तो पैसा उस हिसाब से ऐसे हाथ फैलाइएगा तो ऐसे गिराते थे। अच्छा, ऐसे हाथ में? हाँ, छुआई न दे। अच्छा, नीच जात के। ये सब चीज़ें हम लोगों ने बचपना में देखा है, हुआ है। अभी एक बार फेसबुक पर हम देख रहे थे, एक मौलाना साहब थे, वो अपने कौम को खिताब कर रहे थे। अच्छा, वो कह रहे थे कि ऐ कौम के लोगों, अगर तुम नहीं जागोगे तो पसमादा दलित जो है जाग रहा है। अच्छा, शिक्षा हासिल कर रहा है, तो तुम भी उसी स्थान पे हम चले जाएंगे जहाँ पे पसमादा था। अच्छा, और हमारे बहन बेटियों की इज्जत आबरू महफूज नहीं रहेगी। अच्छा, तो जिस साहब ने पोस्ट किया था उस पर, उनसे मैंने सवाल कर दिया कि क्या आप लोगों ने पसमादा दलित लोगों के साथ आप लोग ये कर्म कर चुके हैं, इसलिए आपको डर है? तो इस तरह की जहनीयत है। अच्छा, मैं ये ज़रा समझना चाह रहा हूँ कि आप बता रहे सिद्दीकी जाति में के अंदर ये जातियाँ, एक बार उनका दोबारा नाम ले लेते हैं थोड़ा सा जानने के लिए। जैसे चुड़ियार, मनिहार, सिसगर, अन्नाप, दफाली, दफासी, दफ्तरी और जौहरी, हाँ शेख जौहरी,
और इस तरह के और दो चार नाम नहीं याद है, इससे 10-12 बिरादरी हम लोग हैं जो मिला कर सिद्दीकी जमात बनी। अच्छा, कि हम अपने नाम के साथ सिद्दीकी जमात को जोड़ दें। अच्छा, जैसे हमने लिखा अकबर अली सिद्दीकी, अच्छा लास्ट में मनियार लिख देंगे। तो ये देखिए, ये भी एक इंटरेस्टेड है, जिस तरीके संस्कृताइजेशन हुआ है कि मुसलमान की जो छोटी जात के लोग थे, जो उनकी जात को गाली बना दिया गया, जैसे कि जुल्हा एक गाली बन जाता है, कसाई एक गाली बन जाती है, ठीक है, धोबी एक गाली बन जाती है। तो उन लोगों ने अपने नाम को बदलने की कोशिश किया कि किसी तरीके से अपना अशराफीकरण कर ले, और उन्होंने अपने नाम के आगे जैसे अंसारी लगा लिया या मोमिन अंसार लगा लिया, फिर इधर जो कुरैसी लगा लिया, फिर जो है हवारी लगा लिया, मंसूरी लगा लिया, ठीक है, राइन लगा लिया, कुजड़ा बुलाया जाता था, चिढ़ाने के लिए कुजड़ा बोलते थे, और वो लोग राइन लगा लिए। तो इसी तरीके से ये बता रहे कि सिद्दीकी जो है किस तरीके, सिद्दीकी फोल्ड में इतनी जातियाँ हैं जो ये टाइटल लगा रही हैं। एक बात और समझिए कि जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिए थे NDTV पे, वो बताए थे कि उनकी माँ के साथ जो भेदभाव होता था, उनकी दादी के साथ सॉरी, इसलिए होता था क्योंकि वो छोटी जाति थी, तो लोग के साथ, आपको पता है ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। ये जो बॉलीवुड के बहुत मशहूर एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि मेरे दादी के साथ जो है बहुत भेदभाव हुआ क्योंकि वो छोटी जाति थी। मेरी जो दादी थी वो दूसरी कास्ट से थी, वो छोटी जात से थी, और बाकी बड़े लोग थे, लेकिन आज भी उन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया। अगर देखा जाए तो उनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज ऑफ माय ग्रैंडमदर। आज यू आर अ यू नो वर्ल्ड रिनाउंड एक्टर, आप दुनिया भर के फेस्टिवल में जा चुके हैं, नाम कमा चुके हैं, अब भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज नॉट एक्सेप्टेड, यू आर सेइंग? नो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप, दैट इज व्हाई, इसीलिए तो ये रगों में घुसा हुआ है ये तो, यू नो, वो आपको चाहे मतलब कितने भी बड़े आप हो जाओ, लेकिन वो अभी भी उनके उनकी शान समझी जाती है, यू नो, जो शेख सिद्दीकी होते हैं हमारे कास्ट में, बड़ी अपर कास्ट है ये, तो उसमें भी वो कहते ना, शेर मतलब घास से दोस्ती नहीं कर सकता, मतलब घास नहीं खाएगा, शेर खाएगा तो मांस खाएगा, वो उस तरह का है उनका, वो एटीट्यूड वो है, वो भले ही कुछ ना हो, आज भी वो है, बहुत मुश्किल है। अगर यू नो सपोज Where will you face this? Suppose आपके घर में किसी की शादी हो, तो will people see कि ये कास्ट में नहीं करनी है? मैंने ये देखा है कि जैसे आज भी अगर हम चाहें, आज भी अगर मैं चाहूं, खैर तो मैं अपने छोटे भाई या अपने relatives जो हमारे मदर की साइड के हैं या मेरे फादर की साइड, अगर मैं अपने उन लोगों में शादी करवाना चाहूँ तो नहीं होगी, नहीं एक्सेप्ट करेंगे, शादी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मिर्जा लिखने लगे, हर जगह जहाँ उनको मऊ से बाहर या अपने यूपी से बाहर गए, तो जब उनको पराजित किया जाता था, उनको टार्चर किया जाता, तो अपना नाम बदल के उसमें साथ में लगा के वो जीते खाते थे अपना। लेकिन हमारे समाज में जब हमारे बुजुर्गों को ये ध्यान आया, तो उन लोगों ने एक सिद्दीकी जमा के, हमारी बिरादरियाँ 10 कुंभों में बटी हुई है, अच्छा, अलग अलग नामों से जानी जाती है, उस सबको मिलाकर सिद्दीकी जमात बनाई गई। ये आप पसमांदा आंदोलन से कैसे जुड़े, मतलब इस आंदोलन, आपको क्या, आपको बताया जाता 10-15 साल आप हो गया ना जुड़े हुए? 15 साल लगे, 18 कब से, 2005 मतलब ये हो गया, तभी 18 साल हो गया ना, 18-20 साल तो पड़ा। तो कैसे, हाँ, मतलब कैसे, वो क्या घटना हुई जिसकी वजह से आपको लगा कि आपको इस तरीके की जमात से जुड़ने की जरूरत? देखिए, हमारा मुख्तार भाई से संबंध था, हम लोग दोस्ती का था, ये प्यारेपुरा में प्रोग्राम किए, अच्छा, और हमको बुलाए, हम गए इनके साथ और हमको अच्छा लगा, उसके बाद हम पसमांदा महा से जुड़ गए कि हमारी भी साख जो हमारे कौम का जो उसमें हिस्सेदारी होगी, और जब हर जात की हिस्सेदारी बिरादरी की है तो हमारी भी रहेगी, इसलिए हमारा दिल लगा और मुख्तार भाई के साथ कदमों से कदम मिला के आज तक मैं चलता रहा। बता रहे कि भेदभाव होता, कुएं पे नहीं चढ़ने देते थे क्योंकि अछूत मानते थे, हाथ में नहीं देते पैसा, है ना। तो जब आप अंसारी, अभी तो अंसारी बाहुल्य इलाके में रह रहे हैं ना, तो अंसारियों का बिहेवियर क्या आपके लिए ऐसा था, मतलब वो भी इसी तरीके से बिहेव करते थे या आज करते हैं इस तरीके से? नहीं, देखिए, अंसारियों में इस तरह का बात नहीं है, लेकिन हर लोगों के अंदर जो जाति समीकरण लोगों ने बना दिया है, आज भी, अरे चुड़ैरवा है ये, जुलावा है ये, दुनियावा, आज भी वो मानसिकता गई नहीं है किसी बिरादरी के अंदर हो। अगर हमको मान लीजिए कोई बात हो तो हम जानते हैं कि आप धोबियत का करें, ये धोबिया,
तो इस तरह के मानसिकता अभी है और हम लोग चाहते हैं कि ये मानसिकता ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम समाज के अंदर आके खत्म हो जाए, जाति से जमात जाति हाँ खत्म हो जाए। हम लोग ये चाहते हैं, हमारा जो अपना पर्सनल कि पूरी समाज जो ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम समाज में लोग शामिल हो रहे हैं, हर जात के शामिल होना है और हमारा ये कहना है कि ये लोग हर लोग एक दूसरे से शादी ब्याह करें। शादी के मामले में आपको कैसे, क्या अंसारियों में शादी हो जाती है या कि आपस में ही शादी करते हैं इसके बारे, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम अशराफ जातियों में देखते हैं वो आपस में शादी कर लेते, शेख सैयद आपस में शादी कर लिया। देखिए ऐसा कि थोड़ा तब्दीली हुई है, अब जिसे हमारे कास्ट से भी अंसारी में हुआ है, अंसारी से हमारे में हुआ और इस तरह से अब थोड़ा थोड़ा हो रहा है। और हम यही चाहेंगे कि ना अंसारी देखें न कुरैसी देखें, न चुड़ियारा देखें, न मनियारा, न भटियारा, मुसलमान है कलमा गो जिसे कहते हैं ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद हक सब कलमा गो। अच्छा, है तो अभी अभी मान लीजिए अभी हमारा लड़का आईएएस हो जाएगा तो जत्ती साहब या और लोग जितने बड़ी बिरादरी चले आए कहते भाई आप, अरे भाई हम चुड़ियारा तो कहेंगे नहीं, इससे नहीं बात है, कलमा गो आप भी कलमा गो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो आप इसलिए कि मेरा लड़का आईएएस हो गया है तो उसको बंगला गाड़ी ऐसे मिला, लड़की को झाड़ू पोछा करना नहीं पड़ेगा, तो इस नज़रिए से तब सब मुसलमान जाते हैं। आज जब अगर एक हमारे घर चूड़ी का धंधा हो रहा है या चूड़ी स्टोर है तो अभी नहीं आएंगे करने के लिए, इसका कहेंगे अरे साला चुड़ियारा है, इसका क्या मतलब है। तो ये आज भी नज़रिया बना हुआ है, इसके लिए हम ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम समाज में जुड़े हैं कि इसको इंशाल्लाह इतना आगे ले जाया जाएगा। अभी जो है जो आंदोलन है पसमांदा आंदोलन है उसमें हम लोग अंसारी जाति के ज़्यादा लोग देखते हैं, पद पर भी इस तरीके से भी संख्या में भी, और लोकतंत्र में सवाल सबसे मैं करता हूँ कि लोकतंत्र में जातियाँ और संख्याएँ माने रखती है ना, तो आपकी जाति छोटी है तो आप अगर वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लीजिए कि अकबर अली साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है तो आपके पीछे लॉबिंग करने वाले लोग मिलेंगे अंसारी में, ये आपको क्या मतलब अंदर रहते हुए कहीं आप अंसारीवाद का शिकार तो नहीं हो रहे, या अंसारीवाद शब्द इस्तेमाल करना मेरा ठीक है नहीं ठीक है ये आप बताइए। देखिए उसमें बाइक मिलेगा अंसारी का हमको, समर्थन हाँ समर्थन, आज मऊ में अगर हमको निकलना हो तो हम दिल्ली जो गए थे अली अनवर साहब के उमे या लखनऊ या मऊ में प्रोग्राम तो अंसारी से हम लोग यहाँ से 2000 ले गए थे लखनऊ, 2500 दिल्ली ले गए थे, तो इसके बाद तो यही है तो हमारा सपोर्ट हमको मिलेगा हमको मिलता है। अच्छा। लेकिन जहाँ तक ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज में तो देखिए उसमें इल्ज़ाम तरह तरह के लोग लगा रहे हैं, वेबसाइट पर वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि अंसारी बाद वाला दिमाग उनका है, लेकिन इंशाल्लाह वो दिमाग काम नहीं करेगा और वो उनको ख़त्म हो जाना, वो दिमाग को ख़त्म करना पड़ेगा। जब ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज है तो महाज में हर वर्ग का हर बिरादरी का जाति का हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो अभी हिस्सेदारी इस तरीके की सुनिश्चित कर रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ, अभी उसमें देखिए अंसारी मनिहार चुड़ियार कुरैशी और जोगी और नट पवरिया भाट ये सब लोगों को धीरे 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 हिस्सेदारी होगी और सब लोगों लाइन पर चले हुए हैं। आज हमारे वहाँ मंसूरी हैं उसमें हैं, कुरैशी हैं, मनिहार हैं, चुड़ियार हैं, हैं तो नाऊ हैं, इस तरह हमारी जो ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम समाज है इसमें पूरा का पूरा हर कौम की हिस्सेदारी होगी। अच्छा, अंसारी बात नहीं होगा जी, ये 341 के ऊपर आप लोग बता रहे हैं कि दिल्ली भी बस लेके गए और बहुत, तो 341 के तहत क्या आपको दलित रिजर्वेशन मिलेगा आपकी जाति को? हाँ, तो अगर वो उसको, हो जा रहा है। उसको उसके बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे आप उस स्ट्रगल को कब से कर रहे हैं इसके लिए। देखिए अगर ये 341 पैरा 3 जो है अगर हो जा रहा है ख़त्म हो जा रहा है तो इसमें हमारी बिरादरी लेकिन हम पौनी जाति के हैं और नाऊ धोबी लेकिन हलखोर हैं और नट हैं भाट हैं, इस तरह की प्रजा बहुत हैं, करीब करीब हाँ 27 बिरादरियाँ हैं ये, हाँ हाँ उन्नाल नाल जोल का हाँ, तो इस तरह के 27-28 बिरादरियाँ अभी आप कितने कैलेंडर हैं कितने लोगों का नाम नहीं कोई जानता है,
इतनी बिरादरियां हैं, पुतरिया तो मैं पहली बार ही सुना था। हाँ, तो इतनी बिरादरियां के नाम नहीं आता, लेकिन हम लोगों ने, हमारे अध्यक्ष साहब और हम लोग मिल के हर बिरादरी को खोज रहे हैं, उनके घर तक जा रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं। कई जो है दलित साथी बोलते हैं कि मुसलमान को, दलितों को रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, वजह वो बताते हैं, बहुत सी वजह है, मैं मोटी मोटी वजह बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि ये लोग क्योंकि मुसलमान हो गए, मुसलमान में जातियाँ नहीं है, इन्होंने जो है हिंदू धर्म छोड़ दिया, और ये जो दलित आरक्षण था, दलित हिंदुओं का जो आरक्षण था वो था पूना पैक्ट के बाद था, और पूना पैक्ट जो है दरअसल वो उच्च जाति से एक समझौते के तहत बाबा साहब ने हमारे लिए लिया था, तो इसलिए ये उस फोल्ड में नहीं है। इनको ये नहीं देना चाहिए, उनको ओबीसी दे दो, उनको एसटी दे दो, ये उसकी बात नहीं है, आरक्षण के विरोधी नहीं है, लेकिन उनको दलित में नहीं देना चाहिए। तो ये सवाल वो लगातार कर, जब अभी भाजपा वाले ने जब से बात की है ना कि 341 पे का रिव्यू करेंगे, तब से ये हो रहा कि दलित मुस्लिम को नहीं मिलना चाहिए। आप मुझे बताइए आपको क्यों मिलना चाहिए? जैसे देखिए, दलित मुस्लिम या दलित हिंदू 1930 में मिल रहा था, नहीं उसके बाद ख़त्म हो गया, 1950 में सदाचार्य लाल कांग्रेस ने ख़त्म कर दिया। लेकिन मिलना इसलिए चाहिए कि जो मुसलमान के नाम पे सारे मुसलमान एक हैं और सारे हिंदू के नाम पर सारे हिंदू हैं, तो एक धर्म हो गया हिंदू और मुसलमान, तो इस धर्म के नाम पर किसी को नहीं मिलेगा। वर्ण व्यवस्था में इससे हिंदू में जाति समीकरण है, ठाकुर है, क्षत्रिय, भूमिया है ना, इस तरह की, तो इसी तरह मुसलमान में भी शेख, सैयद, पठान, ठीक, मुगल, इस तरह की बात। तो उसके बाद आप नीचे आ जाइए, नट, पवरिया, वरिया, मनिहार, चुड़ियार, धोबी, नट, ये सब कहाँ से आ गया? यह है जाति, इस आधार पर मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि मुसलमान, तो सारे मुसलमान नहीं, वो एक धर्म का सिस्टम हो जाता है, हिंदू एक धर्म हो गया। तो असल में मैं पूरी बात अपनी कंप्लीट कर दूं, वो कहते हैं कि वो तो मुसलमान जो थे पाकिस्तान बना के चले गए, तो उनको तो पृथक निर्वाचक मंडल के खिलाफ ही तो अंबेडकर जी ने, बाबा साहब ने हमारे लिए आरक्षण लिया था, आपको जो मुसलमान थे तो वो तो पाकिस्तान बना के चले गए पृथक निर्वाचक मंडल के साथ, तो वो तो अब अधिकार है ही नहीं उनका कि उनको जो है दलित आरक्षण दिया जाए, तो अब ये पाकिस्तान बनाने के ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम ही लोग बनवाए। नहीं देखिए, जो लोग लगाते हैं वो सही माने सही जानते ही नहीं हैं, जानना नहीं चाहते, ये भी तो बात है, जान के अनजान होते हैं ना, सब जानते हैं, जान के अनजान होते हैं, ट्यूब पे बैठते हैं तो उल्टा सीधा बोलते हैं सिर्फ। लेकिन देखिए, पाकिस्तान बनाने वाले ने पाकिस्तान चले गए, हम हिंदुस्तानी मूल निवासी हैं, हमने उनका विरोध किया, हमने पाकिस्तान बनाने का विरोध किया, हम लड़ाई लड़े, मरे देश की आज़ादी के लिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा रग रग एक एक कतरा जो हिंदुस्तान के धरती पे गिरा है और गिरेगा इंशाल्लाह, हम पाकिस्तानी नहीं, हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान के मूल निवासी हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान आंदोलन के विरोध में जो मोमिन कॉन्फ्रेंस थी और जो छोटी जातों की जो कॉन्फ्रेंस थी उसका विरोध कर रही थी, और हमारे विरोध को नहीं दर्ज किया जा रहा है, और अशराफों ने जो कि पाकिस्तान बनाया, हाँ, तो उनको उनके नाम का ठिकरा भी हमारे ऊपर फोड़ा जा रहा है, हाँ, यही कहना चाह रहे हैं आप जी? कि जो समकक्ष जातियाँ हैं वो भी यही पेशा करती होंगी इसी टाइप के कुछ, हाँ, तो उनका विकास कैसे देख रहे हैं कि वो क्या आज़ादी के बाद उनका विकास कैसे हुआ और आपका विकास कैसे हुआ, और उसमें उनके विकास में क्या आरक्षण की भूमिका रही है? हिंदू जातियों के जो लोग थे, हाँ, जिनको आरक्षण ऐसी आरक्षण मिला, तो उनको तो बहुत लाभ मिला, हाँ, वो तो वो चीज़ जो हिंदू अनुसूचित जात को मिला जी जी, अगर आज उनके पास करीब करीब 80-90 IAS हैं, वो आरक्षण ही के मानना है, आपके ही समकक्ष जातियों के, नहीं तो धर्म को दो मानते हैं इस तरह, तो इस तरह के जो समक्ष जो अनुसूचित जातियां हैं उसमें आरक्षण का उनको बहुत लाभ मिला। जिसे मान लीजिए ये आपके मजीद शहीद हुई कल्याण सिंह उस बिरा उस जाति में देखिए उनको लाभ अच्छा मिला, चौहान को मिला, भर समाज को मिला, गुण पीछे, हिंदू जाति में गुण जो है वो पीछे है, कहाँ पीछे है, उनकी थोड़ी सी आबादी है, लेकिन जो कौम जागरूक हो गई, शिक्षा लिया, उन चौहान बिरादरी नेतागिरी में है, नौकरी में है,
तो इस तरह से उनको आरक्षण का लाभ मिला। अभी हम अकबर अली साहब से जुड़े थे और हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी जाति की समस्या क्या है और 341 के ऊपर इनका इनके जो मानना है कि किस तरह आरक्षण ने जो इनके समकक्ष जातियों को कैसे लाभ पहुँचाया और ये कैसे पिछड़ गए। और इसी तरीके के हम और भी वीडियो लेके आएंगे, हमसे जुड़े रहें।